बिजली है, क्या इंटरनेट सेवा है। मैं अभी कुछ दिनों के लिए गुजरात जाने का मेरे को मौका मिला था जी। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने देखा कि गांव में लोगों के पास मोबाइल नहीं है। एक पर्टिकुलर जो एक हमारे गुजरात के अंदर, मैं छोटा उदयपुर क्षेत्र में गया था, वहाँ पर मोहन सिंह राठवा के गांव में खुद गया मैं, बार गांव है वहाँ का जी, छोटा उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और कई गांव में वहाँ पर गया जहाँ पर कि मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं है। आप बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात करते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, हम बात करते हैं इसमें सारे पेमेंट जो है कार्ड के थ्रू करे जाए। आप आज हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करने जाता हूं या कोई भी आदमी जाता है तो आपके कार्ड के ऊपर चार्जेस लगते हैं। मतलब मोदी जी कहते हैं हम इंडिया को कैशलेस करेंगे, कैशलेस करेंगे, तो कैशलेस करने के लिए सबसे पहले तो ये बताइए ना कि आपने चार्ज क्यों लगा रहे हैं उसके ऊपर, कैशलेस कैसे कर सकते हैं? बिना कैश के तो ये हिंदुस्तान चल ही नहीं सकता, गरीब देश है यहाँ पर, गरीब देश के अंदर बिना कैश के आदमी कैसे डिजिटल अगर करेगा तो उसके ऊपर चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं? वो कहते हैं कोई चार्ज नहीं लगेगा ऑनलाइन करने पे, लेकिन फिर भी चार्ज लगता है। ये तो सरासर मोदी जी जो है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये केवल खाली बोलते हैं और उनकी बोलनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। डिजिटल इंडिया जो है, और अब मैं आपको बताता हूँ, आज भी जीरो बैलेंस के ऊपर जो बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे, क्या ये जनता के लिए धोखा नहीं है? पूछो आम जनता से, किसी से आप जाके कहीं पर भी जा पूछेंगे कि आज की तारीख में मिनिमम बैलेंस के ऊपर 3,000 रुपये कार्ड रखने पड़ते हैं और मेट्रो सिटीज़ के अंदर शायद 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं बैंक में। अगर नहीं होता है तो आपको 40-50 रुपये या 20-30 रुपये जो भी उसका चार्ज लगता है वो काटते हैं वो, तो क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? पूछो जाके। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ देश में उठाना चाहता हूँ कि क्या ये मोदी जी जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, बरगला रहे हैं या जनता के फेवर में काम कर रहे हैं। हमें अपने मोदी जी से ना तो कोई शिकायत है ना हमें किसी, लेकिन आम जनता के लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल के अंदर जाता है, तो जाते स्कूल में जाते ही कटोरा आगे कर देता है, जो मिड डे मील का जो मामला है वो कहाँ तक ठीक है? देखिए मिड डे मील के अंदर तो जो मिलता है वहाँ पे, मैंने कई स्कूलों में जाके देखा है, वहाँ पर मिड डे मील के नाम पे केवल धोखाधड़ी होती है। पैसा जाता है लोगों को, जो वहाँ पर जो मिड डे मील बनाने वाले हैं उनको केवल पैसा दे दिया और बच्चों को केवल ऐसी पतली दाल या कुछ भी बना के दे देते हैं, केवल ये एक बहाना है। ये मतलब इसमें ये समझ लो कि किसी प्रकार का भी जब पब्लिक के लिए स्कूलों में बच्चों के लिए कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ये खाली बातें हैं, लंबी लंबी बातें हैं, ये जितने भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं ये खाली कागज़ों में होते हैं। सत्य कुछ और होता है और जो सच्चाई है वो कुछ और होती है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो मीडिया में कुछ और दिखाया जाता है। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप कम से कम इस बात को भारत तक, दूर तक लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सच्चाई क्या होती है।